अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल बिलाल एनपो। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग का एक डिस्कशन यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। दोस्तों 3 मंथ्स पहले यहाँ पर मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग मुझे दिया गया था वो यूट्यूब की तरफ से, जो कि एक IDM के बारे में मैंने बताया था कि आप लोगों ने किस तरह IDM को रजिस्टर वगैरह करना है, तो उसी हवाले से मुझे यहाँ पर वार्निंग दी गई थी। वो वीडियो भी यूट्यूब वाले ने इसको रिमूव किया था। तो अब चूँकि इसका 3 मंथ्स यहाँ पर पहले जब मैं यहाँ पर आता था सेटिंग पर, फिर इसके बाद यहाँ पर चैनल पर और यहाँ पर एडवांस सेटअप, नीचे आके यूट्यूब अकाउंट, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग का स्टेटस पूरा यहाँ पर मुझे एक्सपायरी डेट दिया हुआ था। पहले जैसे आप लोग यहाँ पर अपना कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसका स्टेटस यहाँ पर आप लोगों ने चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे एक्सपायरी जो वार्निंग यहाँ पर मुझे दिया गया था, तो यहाँ पर मुझे डिटेल्स पर मुझे यहाँ पर एक्सपायरी डेट दिया हुआ था जो कि अब मौजूद नहीं है। इसी वाले से दोस्तों मैंने इन लोगों को मेल किया कि मुझे जो वार्निंग दिया गया है यूट्यूब की तरफ से उसका 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब चाहिए आप लोगों को कि इसको आप रिमूव करें। तो यहाँ पर मुझे एक मेल आया इन लोगों की तरफ से, आई अंडरस्टैंड दैट यू आना हैव The community guidelines warning removed from your channel. Let me share information that may help you. यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने लिखा है, We understand mistake happen. Have you done mean to be violate our policy? That why the first violation is only warning. Note that you will only be warned once. मतलब एक बार आपको warning दिया जाएगा and this warning will remain on your channel. मतलब ये warning आपके channel पर रहेगा, ये remove नहीं हो जाएगा। The next time your content is found to violate the community guidelines, you will get a strike. तो इन लोगों का ये मतलब है दोस्तों कि जब आपको वार्निंग दिया जाएगा YouTube की तरफ से तो वो आपके चैनल पर रहेगा जब तक आपको कोई स्ट्राइक वगैरह ना मिल जाए या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे लिखा है, द वार्निंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन योर चैनल बट जस्ट इट्स फ्रेंडली रिमाइंडर दैट If your channel happens to violate our any policy in the future, then that will be only time that a strike will be placed on the channel. You can also check this article for more information. दोस्तों इन लोगों का ये मतलब है कि जब आपको वार्निंग दिया जाएगा तो वो वार्निंग तब तक रहेगा जब तक आपको कोई स्ट्राइक वगैरह ना मिल जाए, उसके बाद जब वो स्ट्राइक रिमूव हो जाएगा तो तब आपका वार्निंग भी साथ हटा दिया जाएगा। और इन लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि आपको जो भी वार्निंग दिया गया है आपके चैनल पर ये कोई असर वगैरह नहीं करता, मतलब आपके चैनल को कोई इफेक्ट नुकसान वगैरह नहीं है, सिर्फ ये एक फ्रेंडली रिमाइंडर है आपको, ये आपको एक याद दहानी है कि अगली बार अगर आपको कोई स्ट्राइक या फिर कोई ऐसा कंटेंट आपने यूज़ किया है जो कि अब हमारे पॉलिसी को वायलेट करता है तो फिर आप लोग को ये स्ट्राइक देगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ जब उस स्ट्राइक का 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये वार्निंग आपसे हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन वार्निंग के बारे में। बहुत से फ्रेंड यही कहते हैं कि हमें एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग मिला है और अभी तक वो रिमूव नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये ऐसे रिमूव नहीं होता, ये जब आपको स्ट्राइक मिल जाएगा और फिर उस स्ट्राइक का टाइम पूरा हो जाएगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा, तो तब ये वार्निंग आपके चैनल से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करें। मैं मिलता हूं आप लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।